वर्ड मीनिंग इंग्लिश सब्जेक्ट का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। वर्ड मीनिंग याद किए बिना हम इंग्लिश सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत नहीं कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग याद करने के लिए हम बहुत से तरीके अपनाते हैं और अपनाना भी चाहिए, तभी तो वर्ड मीनिंग हमारी स्ट्रांग होगी। वैसे आप वर्ड मीनिंग याद करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसे स्कूल जाते समय, कभी कभी क्लास स्टार्ट होते समय, और रात में सोने के पहले वर्ड मीनिंग याद करके सोते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। और जब आप याद करते हैं तो वर्ड मीनिंग आपको याद हो भी जाती है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वर्ड मीनिंग से जुड़ी कुछ समस्याएं भी होती हैं। वो समस्याएं क्या हैं, उससे पहले आप यहाँ बोर्ड पे देखिए, मैंने कुछ वाक्य लिख रखे हैं। पहले इन वाक्यों को समझने की कोशिश करते हैं और तब हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ड मीनिंग से वाक्य में क्या समस्याएं आती हैं। तो देखिए, सबसे पहला वाक्य लिखा है राधा गाना गाती है, दूसरा लिखा है मोहन किताब पढ़ता है, तीसरा वाक्य है हरी कूदता है। अब हरी कूदता क्यों है, किस लिए कूद रहा है, हमें क्या पता। हरी कूदता है तो कूदता रहे, उसका मन कर रहा होगा। चलिए हम इन चक्करों में ना पढ़ के अपने मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ तक तो इस वाक्यों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वर्ड मीनिंग से जुड़ी समस्या क्या होती है, इस चीज़ को समझिए। जैसे देखिए, हमें पता है कि गाना के लिए अंग्रेज़ी होती है सिंग, लेकिन जैसे ही हम इस वाक्य में देखते हैं कि गाती है लिखा हुआ है, तो हमारा दिमाग ये कहता है कि गाती है कि अंग्रेज़ी कुछ और होती होगी। इसी तरह यहाँ पे पढ़ना के लिए हमें पता है कि इंग्लिश में रीड होता है, लेकिन यहाँ पढ़ता है लिखा हुआ है तो हमें लगता है कि पढ़ता है कि अंग्रेज़ी कुछ और होती होगी। इसी तरीके से कूदना के लिए जंप होता है, लेकिन कूदता है के लिए हमारा दिमाग कहता है कि कुछ और इंग्लिश होती होगी। तो आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो हम लाए हैं, और आज के वीडियो में इस समस्या को दूर करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं, उस मेथड का नाम है सेंस निकालना, यानी मतलब निकालना। अब ये सेंस निकालना क्या है, कैसे हो ये सेंस निकाला जाता है, ये तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन सेंस शब्द से तो आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे, बताऊं कब। देखिए, अक्सर ऐसा होता है जब आपको होमवर्क दिया जाता है, और होमवर्क अगर आप नहीं करके ले आते हैं, तो क्लास में जब कॉपी जमा होती है, तो कॉपी जमा होने के बाद आपको सेंस से जुड़ा हुआ कोई शब्द सुनाई देता है। हाँ वही समझ गए ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो स्वागत है बच्चों आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में, जहाँ आज हम सेंस निकालना सीखेंगे, यानी वाक्यों का मतलब निकालना सीखेंगे। और जब हम मतलब निकालना सीख जाएंगे, तो हम वाक्य में किस अंग्रेज़ी के शब्द को कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी निकालना सीख जाएंगे। वैसे कोई एक महापुरुष हैं जिन्होंने ये बात कही भी है कि समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ ना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गए आप, अच्छी बात है। बस आप ऐसे ही समझते चले जाइए, मुझे भी समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कुर्सी की सीट बेल्ट तो बांध लीजिए, मुझे आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि कुर्सी की सीट बेल्ट बांधिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने जो है आपको ये बताया कि आज हम सेंस निकालना सीखेंगे। तो देखिए, सेंस निकालना बहुत आसान होता है, बस हमें सेंस निकालने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हैं कि वाक्य बनाने का नियम क्या होता है अंग्रेज़ी में, और दूसरा उस वाक्य में क्रिया वाला शब्द क्या होता है। तो देखिए, वाक्य बनाने का यहाँ पे मैंने आपको नियम लिख के बताया है। इसमें ये हमारा एस से सब्जेक्ट होता है, वी से वर्ब होता है, और ओ से ऑब्जेक्ट होता है। और इसके बारे में मैंने अपने पहले एक वीडियो में डिटेल में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा,
आप वहाँ से उस वीडियो को देख के और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। एक बार जब हमें इस फॉर्मूले के बारे में पता चल जाएगा तो हमें फिर वर्ब को पहचानने में, वर्ब से किसी भी तरीके की आने वाली समस्या को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में हम किसी भी वाक्य को इसी बेसिक नियम से लिखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आप क्लियर कर लीजिए, यहाँ नीचे मैंने जो ये लिखा हुआ है ये हमारा अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने का नियम है। अगर आप उस हिसाब से इस ऊपर हिंदी लिखे वाक्य को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है। आइए देख भी लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट है हमारा तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया राधा, ये वर्ब है हमारा तो उस हिसाब से ये हमें लग रहा है कि गाना वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारा गाती है। तो आप ही बताइए कि क्या गाती है कर्म हो सकता है? गाती है यानी गाना, गाना ना क्रिया हुई, कर्म नहीं ना हुआ। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे वाक्य में देखिए, दूसरे वाक्य में भी जो है सब्जेक्ट हमारा मोहन है, वर्ब हमारा पढ़ता है और ऑब्जेक्ट हमारा किताब है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो देखिए, हम यहाँ तक जान चुके हैं कि हिंदी में वाक्यों को बनाने का अलग नियम होता है और अंग्रेज़ी में वाक्यों को बनाने का अलग नियम होता है। यहाँ तक आप सारे डाउट्स क्लियर कर चुके होंगे। अब ज़रा इनके बारे में बात कर ली जाए कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में, सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके बारे में बात होती है। जैसे इस वाक्य में देखिए, राधा गाना गाती है, किसके बारे में बात हो रही है? राधा के बारे में बात हो रही है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया राधा। इसी तरीके से अगले वाक्य में देखिए, मोहन किताब पढ़ता है और सब्जेक्ट अगर पूछा जाए तो इसका सब्जेक्ट हमारा मोहन होगा। क्यों होगा? क्योंकि किताब को पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। यानी मोहन वो व्यक्ति है, मोहन वो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम सेंस कैसे निकालें। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमें वर्ब और ट्रांसलेशन का रूल पता है तो हम सेंस आसानी से निकाल सकते हैं और वर्ब से ही हम सेंस निकालते हैं। आइए इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले वाक्य में देखिए, यहाँ पे क्रिया वाला शब्द है गाती है, लेकिन गाती है के लिए किसी भी अंग्रेज़ी में पर्टिकुलर कोई अंग्रेज़ी नहीं होती है। यहाँ पे गाती है का सेंस क्या है? गाना। मैं फिर से आपको बता दूँ कि गाती है, ये हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों का जो क्रिया वाला शब्द होता है उसमें ती है, ता है, ते हैं, ये सारे शब्द आते हैं और उसी के हिसाब से हम अंग्रेज़ी में उसका वर्ब लिखते हैं। तो देखिए, गाती है शब्द का सेंस क्या है? गाना, और गाना की इंग्लिश होती है सिंग। इसी तरीके से दूसरे वाक्य में देखिए, पढ़ता है, ये हमारा क्रिया का शब्द है लेकिन इसका सेंस क्या है? पढ़ना, तो हमारा पढ़ना की अंग्रेज़ी होती है रीड। इसी तरीके से कूदता है का सेंस क्या निकल रहा है? कूदना, और कूदना की अंग्रेज़ी होती है जंप। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इन वाक्यों से सेंस निकालना आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप फिर से इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फिर देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बताना ये भूल गया था कि जैसे हम किसी भी वाक्य में वर्ब का प्रयोग किस नियम से करते हैं, तो आप ये जान लीजिए अलग अलग टेंस में अलग अलग नियम होते हैं वर्ब को लिखने के। ये आपको जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो यहाँ तक तो हम सीख चुके हैं कि हमें सेंस निकालना आ गया है। अब
आप ये मुझसे सवाल करेंगे कि सर आपने सेंस निकालना तो सिखा दिया लेकिन सेंटेंस बनाना छोड़ दिया। तो ऐसा थोड़े है कि मैं आपको बिना सेंटेंस कंप्लीट कराए जो है इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। तो आइए इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसों में हमें रूल ये पता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा राधा, तो हमने जो है राधा के लिए राधा लिख दिया। और गाती है, तो गाती है का सेंस क्या है? गाना। और गाने की इंग्लिश क्या है? सिंग। तो हम यहाँ सिंग लिख देंगे। और देखिए, एक चीज़ का ध्यान यहाँ देना है, ये हमारा क्रिया वाला शब्द है और क्रिया वाले शब्द का लास्ट लेटर अगर हमारा कॉन्सोनेंट होता है तो हम यहाँ क्रिया के आखिरी में एस का प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से हमारा ये पूरा वर्ब हो गया सिंग्स। और क्या काम कर रही है? गाना गाना। तो गाना की अंग्रेजी हो गई सॉन्ग। और इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमारा मोहन। मोहन, और पढ़ता है का सेंस क्या निकल रहा है? पढ़ना। और पढ़ने की अंग्रेजी है रीड। और देखिए, मैंने आपको इस वाले वाक्य में नियम बताया कि अगर हमारे क्रिया का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो हम लास्ट में कॉन्सोनेंट के बाद एस का प्रयोग करते हैं। और किताब की अंग्रेजी है बुक, और बुक चूँकि काउंटेबल नाउन है इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगले वाक्य को देखते हैं। हरी कूदता है, यहाँ कूदता है का सेंस क्या निकल रहा है? कूदना। और कूदने की अंग्रेजी है जंप। यहाँ हमने दो सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीख लिया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने सेंस निकालना सीख लिया है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ आपको दो सेंटेंस दे रहा हूँ। पहला सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मेरी बताई चीज़ों को सीखें और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करें। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।